गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर SST क्लास एंड टुडे आई एम कंटिन्यू योर चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज नाजिम द राइज ऑफ हिटलर. स्टूडेंट्स, टिल टुडे वी रीड इन दिस चैप्टर अबाउट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल क्राइसिस दोज आर फेस्ड बाय द जर्मनी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एंड वी ऑल्सो लर्न दैट हाउ द जर्मनी कम अंडर द डिक्टेटरशिप ऑफ हिटलर. टिल फ्राइडे मैंने आपको ये बताया था कि हाउ द हिटलर बिकम द डिक्टेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल ही बिकम द चेयर चांसलर ऑफ दैट ऑफ जर्मनी. देन ही विद इन 2 or 3 months ही टर्नड हिमसेल्फ इनटू ए डिक्टेटर, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि उसने डिक्टेटर अपने आप को कैसे चेंज किया बाय पासिंग द इनेबलिंग एक्ट. और जस्ट आफ्टर पासिंग द इनेबलिंग एक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही हैड डन, ही हैड चेंज द पुलिस सिस्टम ऑफ द जर्मनी. पुलिस सिस्टम को पूरा उसने चेंज किया, जिसमें पुलिस के लिए उसने नया डिपार्टमेंट ओपन किया, न्यू यूनिफॉर्म लगाई एंड उनको नई उपाधियां दी, जैसे गेस्टपो, SS प्रोटेक्शन स्क्वाड्स के लिए, SD सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए. तो इस तरह से हिटलर ने अपने आप को जर्मनी को कंट्रोल करने के लिए प्रिपेयर किया. ठीक है, आफ्टर कंट्रोलिंग द जर्मनी, जर्मनी को एक बार कंट्रोल करने के बाद, नाउ फर्स्ट वर्क व्हाट ही हैड डन. देखिए, हिटलर ने लोगों से क्या प्रॉमिसेस किए थे. हिटलर ने लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी दूंगा जर्मनी में, ताकि आई कैन ऑल्सो ट्राई टू रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट, कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकूं. तो फॉर दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल ही ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द इकॉनमी ऑफ जर्मनी. उसने क्या किया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी, जर्मनी की इकॉनमी को रिकंस्ट्रक्ट करने की उसने कोशिश की. हिटलर असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हजमलर सच, हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट. अब रिकंस्ट्रक्शन में उसने सबसे पहले इकोनॉमिक रिकवरी करने के लिए हजमलर सच्चत को एज ए इकॉनमिस्ट रिक्यूट किया, एम्प्लॉयड किया. ठीक है, अपॉइंट किया उसने हजमलर सच्चत को एज एन इकोनॉमिस्ट. एंड व्हाट वाज हिज एम, उसके एम क्या थे, उसके एम थे हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम. और उसका क्या मेन एम था, उसका मेन एम था कि वो फुल प्रोडक्शन देगा और फुल एम्प्लॉयमेंट देगा थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम. किसके थ्रू, ताकि वो स्टेट में कुछ ऐसे वर्क स्टार्ट करेगा जिसमें वो वर्क क्रिएशन कर सके. वर्क क्रिएशन मतलब काम को बना सके, काम तैयार कर सके, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके. ठीक है, एंड फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल हजमलर सच्चत गिव हिम द आइडिया टू स्टार्ट द कार. उसने एक कार को प्रोड्यूस करने का आइडिया दिया, टू प्रोड्यूस दिस फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार दैट वॉक्स वेगन. सबसे पहले हजमलर सच्चत ने एक कार के उत्पादन की सलाह दी, ताकि जो जर्मन की सुपर हाईवेज हैं उनको प्रॉपरली वर्क करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि कार को बनाने का जो आइडिया है, प्रोडक्शन का आइडिया हजमलर सच्चत ने इसलिए भी दिया था कि जब हम कार को बनाएंगे तो कार के स्पेयर पार्ट्स ये वो करके हमें बहुत सारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो लोगों को मिलेगी. ठीक है, चलिए, तो ये था सबसे पहला आइडिया हजमलर सच्चत का टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर रिक्वायर्ड क्विक सक्सेस. फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, जो हम पॉलिसीज लगाते हैं फॉर इट्स कह सकते हैं कि विदेश के साथ अपनी इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए हम जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, हम उन्हें फॉरेन पॉलिसी कहते हैं. जैसे आज अगर हम अपने इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मल्टीनेशनल कंपनीज़ को इनविटेशन दिया, तो वो क्या है, दैट इज़ आर फॉरेन पॉलिसी, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी है. ठीक है, तो हिटलर ने भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को
दोबारा से चेंज किया एंड ही ऑल्सो गॉट द क्विक सक्सेस इन इट्स फॉरेन पॉलिसी. अपनी फॉरेन पॉलिसी में उसे क्विक सक्सेस मिली. ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन इन 1933. सबसे पहला काम उसने क्या किया, जैसे ही वो जर्मनी का डिक्टेटर बना, उसने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से बाहर निकाल दिया. एग्जैक्टली लीग ऑफ नेशन क्या था? लीग ऑफ नेशन एक ग्रुप था जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ ने बनाया था, ठीक है, ताकि आपस में वो लड़े ना और वॉर जो है वो ना हो पाए. सो दैट दे फॉर्म्ड अ ग्रुप दैट इज़ लीग ऑफ नेशन इन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. बट अब जर्मनी ने क्या किया, सबसे पहले अपने आप को लीग ऑफ नेशन से बाहर कर दिया. रीऑक्यूपाइड द रीहन लैंड इन 1936. अब उसने रीऑक्यूपाइड द रीहन लैंड, रीहन लैंड का एरिया जो कि उससे छीन लिया गया था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिकॉज ऑफ द आयरन ओर दैट फाउंड इन दिस एरिया. तो उसने उस एरिया को रीऑक्यूपाइड किया, अपने अंडर लिया, ठीक है, एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी. ऑस्ट्रिया और जर्मनी को अपने अंडर इंटीग्रेट किया इन 1938 अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर. दिस इज द स्लोगन दैट वॉज गिवन बाय द हिटलर, दैट इज वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर. सो दैट अंडर दिस स्लोगन ही इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी. देन ही देन वेंट ऑन टू रेस्ट जर्मन स्पीकिंग स्टूडेंट लैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया एंड गोबल्ड अप द एंटायर कंट्री. ही देन वेंट टू द रेस्ट जर्मनी स्पीकिंग स्टूडेंट लैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया एंड गोबल्ड अप द एंटायर कंट्री. इसका मतलब समझ रहे हो कि फिर उसने दूसरी जर्मनी के एरियाज़ को अपने अंडर लेने की कोशिश की जिसमें चेकोस्लोवाकिया था, और पूरे कंट्री को एक लैंड के ग्रुप में, एक ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहा. इन ऑल ऑफ दिस ही हैड अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड. और इन सभी के बीच में उसके पास किसका, उसको बैक जो हेल्प मिल रही थी वो किसकी मिल रही थी, उसको जो बैक हेल्प मिल रही थी वो मिल रही थी किसकी, इंग्लैंड की. इंग्लैंड उसकी हेल्प कर रहा था इन सब वर्क में बिकॉज इंग्लैंड को भी ये लगता था कि जर्मनी के साथ जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज उससे साइन करवाई गई दैट वाज टू हार्ड, वो बहुत हार्ड है और ऐसा नहीं करवाया जाना चाहिए था. दिस क्विक सक्सेस एट होम एंड अब्रॉड सीम टू रिजर्व द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री. और इस क्विक सक्सेस की वजह से अपने घर में कौन सी क्विक सक्सेस मिली, जब उसने वॉक्सवैगन कार को प्रोड्यूस किया और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी और फॉरेन पॉलिसी में भी उसको सक्सेस मिली. इससे पूरी कंट्री का जो स्ट्रक्चर था एक बार वो चेंज हो गया. डेस्टिनी ऑफ द कंट्री, कंट्री की डेस्टिनी, उसका स्ट्रक्चर, उसका पॉलिटिकल सोशल जो कंडीशंस थी वो इम्प्रूव हो गई, ठीक है. हिटलर डिडंट स्टॉप हियर, वो यही नहीं रुका. सच्चत हैड एडवाइज हिटलर अगेंस्ट इन्वेस्टिंग ह्यूजली इन रियरमेंट एज द स्टेट टिल रन ऑफ डिफिक्ट फेरेंस. यहाँ नहीं रुका उस वो, सच्चत ने उसे क्या एडवाइस किया कि वो जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करे ताकि कंट्री की जो फाइनेंशियल, अभी भी जो फाइनेंशियल कंडीशन जो स्लो चल रही हैं या लो चल रही हैं वो इम्प्रूव हो जाए. हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी, हालांकि उसके पास नाजी जर्मनी में कोई प्लेस नहीं था. मतलब नाजी जर्मनी में इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने की जो चांसेस थे बहुत कम थे. चलिए, सच्चत हैड टू लीव, हिटलर चूज वॉर एज दे वे आउट ऑफ अप्रोचिंग, जस्ट अ मिनट, दे वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस. अब सच्चत ने क्या किया, हिटलर चूज वॉर, हिटलर ने क्या किया, सच्चत तो हैड टू लीव, वो चला गया, और हिटलर ने क्या किया, वॉर को चूज किया कि मैं वॉर के द्वारा अपने इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर कर लूँगा. वॉर क्यों, क्योंकि उससे बहुत सारे रिसोर्सेज एरिया जो थे वो ले लिए गए थे. उससे रीहन लैंड आयरन ओर एरिया ले लिया गया था, उससे उसके कोल ओर एरियाज ले लिए गए थे, और बहुत सारी जो उसकी कलोनीज थी वो ले ली गई थी. तो इसलिए उसने सबसे पहले क्या डिसाइड किया कि मैं वॉर करूँगा और वॉर से अपने एरियाज़ को दोबारा से गेन करूँगा, और जब एरियाज़ गेन कर लूँगा तो क्या होगा,
कि मेरे पास ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है। सो रिसोर्सेज वर टू बी एकोमोडेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। अब सोर्सेज वर टू बी एकोमोडेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, अब रिसोर्सेज जो थे उनको एकोमोडेटेड करना था उसे, ठीक है ना, वही अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करके, जो मैंने अभी आपको बताया कि उसने एरियाज़ को अपने अंडर लाने की कोशिश की ताकि वो अपने लिए इकोनॉमिक जो चांसेस थे या अपॉर्चुनिटीज़ थे वो क्रिएट कर सके। सो दैट इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, और 1939 में जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड किया, यानी उसको अपने अंडर ले लिया। दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड, इसकी वजह से उसकी फ्रांस और इंग्लैंड के साथ लड़ाई भी हो गई। 1940 अतृप्ति पैक्ट वॉज साइन बिटवीन जर्मनी इटली एंड जापान। अतृप्ति पैक्ट, तीनों के बीच में, जर्मनी इटली और जापान के बीच में एक थ्री पैक्ट साइन हुआ, जो कि हिटलर को, जिसकी वजह से इंटरनेशनल पावर जो है वो इंक्रीज हो गई। बट यहाँ पर बच्चे मैं आपको बता दूँ 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ पर जो कंट्री